हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी टॉपर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकम का निबंध किस तरीके से लिखें कि आपके एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये निबंध 5th से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप 10 पॉइंट इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुस्तकम का निबंध, आइए हम देखते हैं कैसे लिखना है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे एतद मम पुस्तकम, इसका मतलब हो जाएगा यह मेरी पुस्तक है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे इदम अतीव रम्यम, यह बहुत सुंदर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा अस्मिन बहूनी रम्याणी चित्राणी संति, इसमें अनेक सुंदर चित्र हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इदम मम चित्तम तोषयति, यह मेरे मन को संतुष्ट करती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा पुस्तकम पठनेन ज्ञान लाभ भवति, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको हिंदी अर्थ भी बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको हिंदी नहीं लिखना है, जैसा इसमें लिखा है आप वैसा ही एग्जाम में लिख कर आइएगा, ठीक है। अब देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट हम लिखेंगे पुस्तकानी अस्माकम मित्राणी, पुस्तकें हमारी मित्र हैं। सेवेंथ पॉइंट हम लिखेंगे पुस्तकेषु वयम महात्मनाम दर्शनम कुर्मः, पुस्तकों से हम महापुरुषों के दर्शन करते हैं, ठीक है। एट पॉइंट लिखेंगे पुस्तका नाम संगति लाभ प्रदा भवति, पुस्तकों की संगति लाभ देने वाली होती है। नाइन्थ पॉइंट हम लिखेंगे मम समीपे बहूनि पुस्तकानि सन्ति, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। और लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे पुस्तकेभ्यः नमः, पुस्तक को प्रणाम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये वीडियो कंप्लीट होता है। ये 10 पॉइंट आप अपने एग्जाम में लिख कर आइएगा, आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। ये बहुत ही इजी है, आपको हिंदी अर्थ भी बताया गया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।